बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस्लामी जमीयत तलबा मुल्क भर में, पूरे पाकिस्तान में तलबा की एक नुमाइंदा तंजीम है और इसके नज़रियाती, तरबियती और फलाही किरदार की वजह से मुल्क भर के वालदैन को भी इस तंजीम पर फ़ख्र है और जामियात में ख़ास तौर पर इस्लामी जमीयत तलबा के किरदार की वजह से पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत हद तक इत्मीनान की मजबूत बुनियादें मौजूद हैं। हमारा निज़ाम तालीम तबाह है, निसाब तालीम जो है वो किरदार को मस करने के लिए है, लेकिन इस खराबी की तमाम बुनियादों के बावजूद इस्लामी जमीयत तलबा करेक्टर बिल्डिंग के लिए, जहन साजी के लिए, नौजवान नस्ल की ज़िंदगी को इस्लाम से वाबस्ता करके बामकसद बनाने के लिए जो काम कर रही है, ये बहुत ही काबिल फ़ख्र है। मुल्क मिल्लत का बड़ा असासा है और इसी हवाले से इस्लामी जमीयत तलबा अपना इज्तमा आम मुनक़िद कर रही है। इज्तमा आम और इंशाअल्लाह 15-16 अक्टूबर 2011 को लाहौर मादर इल्मी और पाकिस्तान की कदीम जामिया जामिया पंजाब में मुनक़िद होगा और इस्लामी जमीयत तलबा के मुंतज़िमीन ने इस इज्तमा आम के लिए भी बड़ा इनकलाबी उनवान दिया है कि उम्मीद बनो, तामीर करो सब मिलकर पाकिस्तान की। पहले पूरे मुल्क के अंदर बहुत ही जोश व खरोश है और तलबा इस इज्तमा को अपना नुमाइंदा इज्तमा करार दे रहे हैं और मुझे पूरे मुल्क में ये देखकर बहुत खुशी होती है कि इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनान बहुत ही बालियाना तरीके से इज्तमा आम की तैयारियों में मशगूल हैं और मैं तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ये बहुत तारीखी इज्तमा होगा और हाजरी के एतबार से भी बड़ा इज्तमा होगा और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी एक इनकलाबी और मुस्बत पैगाम का जरिया होगा। जाहिर है कि जब इतने बड़े इज्तमा और प्रोग्राम का इनेकाद होता है तो वो वसाइल का भी तकाजा करता है, माली इमदाद का भी तकाजा करता है और मैं सिर्फ जमात इस्लामी से वाबस्ता लोगों से नहीं, पाकिस्तान के वो तमाम तबकात जो इस्लाम से, पाकिस्तान के आज़ाद मुस्तकबिल से और पाकिस्तान की नई नस्ल की ज़िंदगी को बामकसद को देखना चाहते हैं, उन्हें सबको चाहिए, मुखय्यर हज़रात को चाहिए कि वो आगे बढ़ें और इस इज्तमा आम के इनेकाद की पुश्तीबानी करें, इसकी सरपरस्ती करें और दिल खोल कर इसमें तआवुन करें। इंशाअल्लाह इस्लामी जमीयत तलबा का इज्तमा आम कामयाब होगा और इस कारवां और इस काफिले के कदम और आगे बढ़ेंगे और पूरी नई नस्ल के मुस्तकबिल को एक नई रोशनी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।